Hello everyone, welcome to Placement Buddies. So in this video I am going to discuss about the importance of English communication. तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि English communication वाकई जरूरी है या नहीं interviews clear करने के लिए. तो ये सारी चीजें discuss करेंगे और आपका doubt clear करेंगे इस video में. तो इस video में हम लोग बहुत सारा cases consider करेंगे और अपना communication कैसे better किया जाए वो भी discuss करेंगे. तो पहले हम लोग companies को दो हिस्सों में divide कर लेते हैं. तो केस नंबर वन, लार्ज MNCs. अगर आप लोग लार्ज MNCs टारगेट कर रहे हो तो लार्ज MNCs में क्या होता है, उनका बहुत सारा काम इंडिया से बाहर भी होता है, बहुत सारा काम इंडिया में भी होता है. तो शायद से आपका आधी टीम इंडिया में हो सकता है और आपका आधी टीम इंडिया से बाहर हो सकता है. तो टीम में कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड होता है इंग्लिश. तो इंग्लिश इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपका ऑफिस साउथ इंडिया में बेस्ड हो जहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी में बात नहीं करते तो भी आपका कम्युनिकेशन का एक कॉमन ग्राउंड होता है इंग्लिश. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंग्लिश एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है सीखने के लिए. और अगर आप लोग एक लीडिंग पोजीशन पे जाते हो तब आपका कम्युनिकेशन टॉप नॉच होना चाहिए. और बहुत सारा चीज़ें जो वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो केस नंबर टू, अगर आपका ऑफिस दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे इन जगह पे बेस्ड है तो शायद से आपका जो टीम है वहाँ पे कॉमन जो लैंग्वेज है बात करने के लिए वो हो सकता है हिंदी हो. लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल क्लाइंट आए तो उन लोगों को हैंडल करने के लिए भी आपको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है. तो आप में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे कि मैं बंगाली मीडियम से बिलोंग करता हूँ. लेकिन मुझे ग्रामाटिकल नॉलेज था, मैं लिख सकता था. तो आपको भी सेम प्रॉब्लम होगा, आपको ग्रामाटिकल नॉलेज है, आप लिख सकते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो. तो इसे कहते हैं ग्रामाटिकल फियर. आपके माइंड में, आपके बैक ऑफ द माइंड एक फियर रहता है कि अगर मैं कुछ बोलूँ और ग्रामाटिकल मिस्टेक हो जाए तो आसपास जो दोस्त लोग रहते हैं वो मॉक करेंगे. तो दैट इज़ अ कॉमन फियर. तो इसको ओवरकम करना है. इसको कैसे ओवरकम करना है चलिए डिस्कस करते हैं. तो देखिए, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक ऐप आता है कॉल्ड कैमली जिसमें आप लोग नेटिव स्पीकर से इंग्लिश में बात कर सकते हो. तो इसमें फायदा क्या होता है कि अगर आप किसी जगह अटक गए इंग्लिश बोलने के वक्त तो आप लोग अपने मदर टंग में उनको समझा नहीं पाओगे. यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली. तो इसमें आप लोगों का जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप लोगों का जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव होगा. तो अगर आप लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या कर सकते हो, पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, पेड ऐप है. तो आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास दोस्तों के साथ एक मॉक जीडी अरेंज कर सकते हो. तो एक मॉक जीडी अरेंज करके आप लोग क्या कर सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो. लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि अगर आप किसी जगह अटक गए तब आप क्या करोगे, अपने मदर टंग में आपके दोस्त लोगों को समझा दोगे. लेकिन आपको वो नहीं करना है. इफ यू आर रियली विलिंग टू यू नो लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज देन यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली, देन ओनली योर इंग्लिश कम्युनिकेशन विल इम्प्रूव. और एक बात यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पबजी का रॉयल पास खरीदते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, लेकिन कुछ इसमें से कुछ अगर पैसा अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम इन्वेस्ट करें देन आई थिंक इट इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट. सो यू गाइस कैन थिंक अबाउट इट. लेकिन इतना प्रिपरेशन करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. आप लोगों को रियल लाइफ में इंग्लिश में बोलना पड़ेगा तभी जाके आप लोगों का इंग्लिश कम्युनिकेशन सुधरेगा. सी व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस योर थॉट्स. अगर आप लैंग्वेज को बोलोगे ही नहीं तो आपका लैंग्वेज इम्प्रूव कैसे होगा. तो अपने आसपास जो भी देखते हो, व्हाट एवर यू सी, व्हाट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस, यू शुड ट्राई टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश, तब जाके आपका इंग्लिश सुधरेगा. एक कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें हम पहले सोचते हैं फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है, हम लोग को इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बोलना है, तब जाके आप लोगों का थिंकिंग भी अच्छा होगा, थिंकिंग भी इम्प्रूव होगा और इंग्लिश कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगा. अगर आप लोगों को बेसिक इंग्लिश आ गया, बेसिक इंग्लिश बोलना आ गया, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को अपना वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहिए. तो वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव होगा, आप लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना होगा,
तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग होता है किसी किसी लोगों के लिए, जैसे कि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, बहुत बोरिंग होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, हम सब देखते हैं पता है, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो नेटफ्लिक्स देखता हूँ, अमेज़न प्राइम देखता हूँ, इंग्लिश शोज देखता हूँ सबटाइटल के साथ, तब जाके थोड़ा बहुत मेरा इंग्लिश भी अच्छा हुआ, और इतना भी अच्छा नहीं हुआ, मैं भी टूटा फूटा ही इंग्लिश बोलता हूँ। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। नाउ रिटन कम्युनिकेशन कब जरूरी होता है, जब आप कंपनी में जाओगे, आप किसी लीडिंग पोजीशन में जाओगे, तब सारी चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, तब रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो रिटन कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, रिटन कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए वही आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, वही बोरिंग चीजें करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, आपका वोकैबुलरी इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ने से आप लोगों को पता चलेगा कि एडिटर कैसे एक लाइन को अच्छे से सजा के प्रेजेंट करता है, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि एक लाइन कैसे अच्छे से सजा के प्रेजेंट करना पड़ता है। तो रिटन कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए मस्ट है न्यूज़पेपर पढ़ना। तो आपने आपको इंप्रूव करते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड इफ यू गाइज नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प डू कमेंट बिलो, वी आर हियर टू हेल्प यू। So I'm Apurva Poddar signing off today. Milte hain kisi agle video mein. So till then, stay tuned. Goodbye.